आज के लेक्चर में हम चैप्टर फिफ्टीन की एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे हमें मिसलिनियस एक्सरसाइज सॉल्व करना है मिसलिनियस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रिपेयर आ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द फॉलोइंग यूजिंग क्लास इंटरवल यहाँ पर हमें क्लास इंटरवल गिवन है जीरो से नाइन टेन से नाइनटीन और ये रही हमारी ऑब्जर्वेशन ये हमारे नंबर हैं और ये है क्लास इंटरवल हमें क्या करना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है तो सबसे पहले हम बनाते हैं टेबल यहाँ पर बनेगी हमारे टेबल और यहाँ पर क्या रहेगा सबसे पहले रहेगा हमारा क्लास इंटरवल उसके बाद रहेगा हमारा टैली मार्क्स फिर लास्ट में है हमारा फ्रीक्वेंसी ये हो जाएगा अब क्या करना है अब यहाँ पर हमें देखिए गिवन है क्लास इंटरवल ज़ीरो से नाइन टेन से नाइनटीन इस तरीके का क्लास इंटरवल गिवन है तो क्लास इंटरवल लिखेंगे ज़ीरो से नाइन फिर टेन से नाइनटीन अब हम इसी तरीके से कर लेते हैं इसके बाद क्या आएगा ट्वेंटी से ट्वेंटी नाइन थर्टी से थर्टी नाइन फोर्टी से फोर्टी नाइन फिफ्टी से फिफ्टी नाइन अब देखेंगे क्या फिफ्टी नाइन के ऊपर है अभी तो भी है तो इसको यहाँ लिखते हैं फिफ्टी नाइन से सॉरी यहाँ पर हो जाएगा सिक्सटी यहाँ हो जाएगा सिक्सटी से सिक्सटी नाइन तक अब सिक्सटी नाइन के ऊपर भी है क्या है यहाँ पर सेवेंटी सेवन भी दिख रहा है अब हम लिखेंगे सेवेंटी से सेवेंटी नाइन ये हो गया अब सेवेंटी नाइन के ऊपर नहीं है तो यहीं तक हमारी टेबल बन जाएगी यहीं तक हो गया हमारा क्लास इंटरवल ये हो गया आप क्या करना है अब हमें यहां पर देखना है देखिए जीरो से नाइन ऐसे नंबर जो यहाँ पर हैं, हैं से के बीच में और है या तो जीरो से नाइन के बीच में, में, तो में हो या जीरो हो या नाइन वो सब इस क्लास में आएगा देखते हैं यहां पर क्या है जीरो और नाइन के बीच में कितने नंबर हैं ये हो गया वन ये हो गया टू सिर्फ टू हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे टू उसके बाद है टेन से नाइनटीन के बीच में टेन से नाइनटीन कितने हैं? टेन से नाइनटीन एक, ये हो गया वन, टू, थ्री कितने हो गए थ्री हो गए अब ट्वेंटी से है हमारा ट्वेंटी नाइन वन वन हो गया और टू थ्री वन फिर है हमारा टू इधर हो गया थ्री और ये फोर यहाँ पर हो गया फोर उसके बाद है थर्टी से थर्टी नाइन के बीच में कितना है थर्टी से थर्टी नाइन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स है हमारा तो यहाँ पर लिखेंगे सिक्स उसके बाद फोर्टी से फोर्टी नाइन के बीच में कितना है फोर्टी से फोर्टी नाइन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट कितना है एट है तो यहाँ पर लिखेंगे एट उसके बाद फिफ्टी से फिफ्टी नाइन फिफ्टी से फिफ्टी नाइन के बीच में कितने हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट यहाँ पर भी एट हो गया अब क्या है हमारा सिक्सटी से सिक्सटी नाइन के बीच में सिक्सटी से सिक्सटी नाइन तो यहाँ पर है वन टू थ्री फोर तो यहाँ पर हो गया हमारा फ़ोर उसके बाद है हमारा सिक्सटी से सिक्सटी नाइन हो गया अब लास्ट है हमारा अच्छा फिफ्टी से फिफ्टी नाइन हो चुका वन टू थ्री फ़ोर फाइव सिक्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स यहाँ तक हो गया सिक्सटी से सिक्सटी नाइन फोर हो गया अच्छा फिर से देखें सिक्सटी से सिक्सटी नाइन 60 से सिक्सटी नाइन कितना है वन टू थ्री फोर फाइव फाइव हो गया सेवेंटी से सेवेंटी नाइन कितना है वन टू थ्री फोर सिर्फ फोर तो ये हो गया हमारा यहाँ पर हो गई क्लास इंटरवल और यहाँ पर हो गए फ्रीक्वेंसी अब इसके बाद क्या करना होता है अब हमें इसको मार्क्स में लिखना है टू को कैसे लिखेंगे वन टू थ्री को कैसे लिखेंगे वन टू थ्री फोर वन टू थ्री फोर सिक्स कैसे होगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स उसके बाद एट कैसे होगा वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट फिर यहाँ पर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट वन टू थ्री फोर फाइव फिर यहां फोर्थ वन टू थ्री फोर ये यहां पर हमारा टैली मार्क्स भी बन गया और ये फ्रीक्वेंसी भी बन गई अब क्या करना है अब हम इस फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करें कितना आ रहा है देखिए थ्री टू फाइव फोर नाइन फिफ्टीन एट एट सिक्सटीन सेवनटीन एटीन ट्वेंटी फाइव ये हो गया हमारा फोर्टी कैलकुलेट किए टोटल कितना आ रहा है फोर्टी आ रहा है अब हम इसको जब करेंगे देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्थ थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्थ थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन गलत हो रहा है क्या देखें फिर से यानी देखिए यहाँ पर क्या करना है जो भी नंबर लिखा हुआ है अगर हम सबको काउंट करें फोर्टी आ जाए इसका मतलब ये हमारी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल सही बनी हुई है समझ में आ रहा है ना इसको काउंट करेंगे क्या आना चाहिए हमारा ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यू ये फ्रीक्वेंसी है ये टोटल करें फोर्टी आ रहा है तो यहाँ पर भी फोर्टी आएगा एक बार इसको फिर देख लें थ्री टू फाइव सिक्स सेवन एट नाइन नाइन सिक्स हो गया फिफ्टीन एट एट सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी और ट्वेंटी फाइव यहाँ पर तो हो गया फोर्टी ये सही है उसके बाद देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटी एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी नाइन थर्टी थर्टी वन थर्ट थर्ट फोर थर्टी फाइव सिक्स थर्टी सेवन थर्टी नाइन फोर्टी हो गया हमारा यानी ये नंबर फोर्टी है और ये फ्रीक्वेंसी भी फोर्टी है इसका मतलब ये डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमारी कंप्लीट हो गई समझ में आया सही है इसका मतलब इसे नोट कर लीजिए फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अब ये है हमारा सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर हमें फाइंड द मीन एंड मीडियन ये यहाँ पर दो क्वेश्चन है दो पार्ट है इसके मीन और मीडियन निकालना है हमको तो मीन कैसे निकालेंगे हम मीन होता है हमारा सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पर पहले हम नींद निकालते हैं ये फर्स्ट पार्ट का नींद कैसे आएगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन जितने भी ऑब्जर्वेशन है सबको ऐड करेंगे थ्री प्लस सेवन प्लस ट्वेल्व प्लस फाइव प्लस एट प्लस फोर्टीन प्लस सेवन ये हो गया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन सेवन हो गया कैलकुलेट करेंगे सेवन थ्री टेन एलेवन ट्वेल्व 7, 3, 10 और 12 कितना हो जाएगा? 22. 8, 4 हो हो जाएगा गया गया और और ये इसको जब कैलकुलेट करेंगे आ जाएगा एट यानी मीन आ गया हमारा एट अब क्या करना है हमें मीडियन निकालना है मीडियन निकालेंगे मीडियम मीडियम हम जब भी निकालते हैं क्या करते हैं सबसे पहले जो भी ऑब्जर्वेशन दी हुई है उससे पहले हमें ऑर्डर में लिखना है इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो आएगा थ्री सेवन अच्छा यहाँ फाइव है थ्री फाइव सेवन सेवन एट ट्वेल्व और फोर्टीन ये हो गया थ्री फाइव ये हो गया. अब अब क्या करना है? है. है? है है. है हमें लिखना कितना यानी तो ऑड का फॉर्मूला क्या होता है एन प्लस वन अपॉन टू एथ ऑब्जर्वेशन हो जाएगा हमारा आंसर एन कितना है सेवन है तो सेवन प्लस वन अपॉन टू सेवन प्लस वन कितना हो जाएगा एट एट बाय टू कितना हो जाएगा फोर्थ ऑब्जर्वेशन फोर्थ ऑब्जर्वेशन क्या है 1, 2, 3, 4. 4 है हमारा हमारा तो हो हो गया हमारा 7 हो गया आंसर। आंसर। इसका मीन आया एट और मीडियन आया हमारा सेवन फर्स्ट पार्ट हो गया अब हम देखते हैं सेकेंड पार्ट इसमें क्या करना है सबसे पहले हमें मीन निकालना है क्या करेंगे सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन जितने ऑब्जर्वेशन है सबको ऐड करना है यहाँ पर हो जाएगा इलेवन प्लस फाइव प्लस टू प्लस एट प्लस फोर प्लस फाइव प्लस प्लस नाइन प्लस ट्वेल्व वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एट नाइन टेन यहाँ पर टेन है वन टू थ्री यहां पर वन अच्छा, भी एड कर लीजिए ये हो गया अब क्या करना है अब क्या करना है ऊपर को जितना नंबर है सबको ऐड करेंगे और टेन से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा ऐड करते हैं नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व ट्वेल्व और सेवन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन थर्टी थर्टी एट थर्टी नाइन ये तो 4, 5, 6. ये हो 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 गया, गया 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 पर तो और से आ हमारा मीन क्या आ गया सिक्स पॉइंट फोर आ गया अब क्या करना है मीडियन निकालना है तो मीडियन निकालना है तो फर्स्ट मेथड है हमारा इसको इस ऑब्जर्वेशन को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना तो सबसे छोटा है हमारा वन उसके बाद है टू फिर फोर है देन फाइव फाइव उसके बाद है सेवन एट नाइन अलेवन एंड ट्वेल्व वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ये हो गई असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर एन है हमारा टेन टेन यानी Even है, even है तो even वाला फॉर्मूला एन बाइ टू यानी टेन बाय टू क्या हो जाएगा फाइव ये हो गया फिफ्थ ऑब्जर्वेशन प्लस अपॉन टू समझ में आया ना एन को यहाँ रखेंगे क्या क्या है 10. 10 by 2 क्या हो जाएगा फाइव हो गया ये हो गया फाइव प्लस वन सिक्स अब फिफ्थ देखते हैं क्या है वन टू थ्री फोर फाइव ये फिफ्थ ऑब्जर्वेशन हो गई वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये ऑब्जर्वेशन हो गई सेवन ये हो जाएगा ट्वेल्व बाई टू और यहां से आ गया हमारा आंसर सिक्स मीडियन क्या आ गया मीडियन आ गया सिक्स और मीन हो गया सिक्स पॉइंट फोर समझ में आया नोट कर लीजिए इसको अब है हमारा थर्ड क्वेश्चन द फॉलोइंग नंबर आर प्री अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर देयर मीडियंस इज 12 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड देयर मीन ये यहाँ पर ऑब्जर्वेशन दी हुई है इसका हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है मीडियन गिवेन है और ये कैसे दिया हुआ है असेंडिंग ऑर्डर में बहुत इजी है इस टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं हम क्या करेंगे हम जैसे मीडियन निकालते हैं ना उसी तरीके से निकालेंगे मीडियन और मीडियन कैसे निकालते हैं हम पहले ऑब्जर्वेशन को असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं यहाँ पर पहले से है तो उसके बाद क्या करेंगे काउंट करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सिक्स ऑब्जर्वेशन है तो एन इज इक्वल टू सिक्स सिक्स मतलब इवन है इवन है यानी यहाँ पर इवन वाला फॉर्मूला लगेगा एन बाय ऑब्जर्वेशन प्लस एन बाय टू प्लस वन ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टू ये हो गया उसके बाद एन क्या है हमारा सिक्स है तो सिक्स यानी सिक्स बाय टू एथ ऑब्जर्वेशन प्लस सिक्स बाय टू प्लस वन एथ ऑब्जर्वेशन अपॉन टू ये हो जाएगा सिक्स बाय टू क्या होगा थ्री हो जाएगा यहाँ पर आ जाएगा थर्ड ऑब्जर्वेशन यहाँ पर आ जाएगा फोर्थ ऑब्जर्वेशन अपॉन मीडियन क्या आएगा यहाँ से मीडियन आ जाएगा ट्वेल्व तो मीडियन इधर ट्वेल्व लिखेंगे समझ में आ रहा है ना ये टू डिवाइड में इस साइड जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा यहाँ आ गया ट्वेंटी फोर थर्ड और फोर्थ क्या है वन टू थ्री ये थर्ड हो गया प्लस वन टू थ्री फोर ये हो गया एक्स प्लस टू ये हो गया अब यहाँ पर टू प्लस में है इस साइड जाएगा माइनस में ट्वेंटी फोर माइनस टू क्या हो जाएगा ट्वेंटी टू एक्स प्लस टू एक्स ये टू यहाँ पर मल्टीप्लाई में है जाएगा डिवाइड में और एक्स की वैल्यू आ जाएगी एलेवन क्या आ जाएगी 11 आ जाएगी तो फर्स्ट पार्ट तो आ गया हमारा एक्स की वैल्यू इलेवन और क्या निकालना है और हमें मीन निकालना है तो मीन कैसे निकालते हैं ये हो जाएगा यहाँ से हमारा मीन मीन कैसे निकालते हैं सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन जितनी ऑब्जर्वेशन है सबको ऐड करना है ये सिक्स हो गया ये नाइन एक्स की वैल्यू इलेवन है फिर इलेवन प्लस टू थर्टीन हो गई उसके बाद इलेवन प्लस थ्री यानी फोर्टीन हो गया और यहाँ हो गया नाइन समझ में आई ये चीज अब क्या करना है मीन यानी सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन जितनी ऑब्जर्वेशन है सबको ऐड करेंगे सिक्स प्लस नाइन प्लस इलेवन प्लस थर्टीन प्लस फोरटीन प्लस नाइनटीन अपॉन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स नीचे हो जाएगा हमारा सिक्स उसके बाद इसको कैलकुलेट करेंगे नाइन सिक्स फिफ्टीन सिक्सटीन सेवेंटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी नाइन थर्टी थर्टी वन थर्टी टू टू थ्री कैरी फोर फाइव सिक्स सेवन सेवेंटी टू बाई सिक्स ये हो गया और सेवन सिक्स टू या ट्वेल्व

ये नंबर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है पहले से ही यहां पर हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है और और यहां पर दिया हुआ है मीन और मीडियन दोनों सेम है मीन मीडियन दोनों इक्वल है तो मीन और मीडियन निकालेंगे और दोनों इक्वल है तो मीन क्या आ जाएगा यहाँ से सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन सबको ऐड करेंगे क्या आएगा हमारा वन प्लस थ्री प्लस फोर प्लस एक्स प्लस टेन प्लस फिफ्टीन प्लस ट्वेंटी वन अपॉन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन कितने ऑब्जर्वेशन है सेवन है तो ये हो गया नीचे सेवन अब इसको कैलकुलेट करेंगे फोर थ्री सेवन वन एट नाइन फोर्टीन हो गया वन कैरी टू वन थ्री फोर फाइव फाइव हो गया प्लस एक्स अपॉन सेवन ये हो गया हमारा मीन ये मीन आ गया अब क्या करना है मीडियन निकालना है तो यहाँ से हो जाएगा हमारा मीडियन और मीडियन में हम सबसे पहले देखते हैं असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है फिर अरेंज है हमारा तो आप क्या करना है ऑब्जर्वेशन देखना है कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 7 है n 7 है, है यानी ये क्या है ऑड है तो ऑड का फार्मूला n 1 2th ऑब्जर्वेशन ये होता है फॉर्मूला एन क्या है सेवन है तो सेवन प्लस टू ये हो गया सेवन प्लस क्या है वन टू थ्री फोर फोर हो गई एक्स यानी ये हो गया मीन ये हो गया मीडियन ये मीन आ गया ये मीडियन आ गया और यहां पर क्वेश्चन में दिया है कि मीन मीडियन दोनों इक्वल है दोनों सेम है मीन मीडियन दोनों सेम है यानी ये मीन ये मीडियन दोनों क्या है इक्वल है जैसे क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों इक्वल है तो हम यहाँ इक्वल कर देते हैं ये हो गया अब इक्वल है तो क्या हो जाएगा यहाँ ये डिवाइड में इस साइड जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा 54 plus x ये मल्टीप्लाई में तो हो गया 7x x अब देखिए जब भी नंबर और वेरिएबल हो तो क्या करते हैं यानी एक्स वाई जेड में हो तो एक्स वालों को एक तरफ बाकी नंबरों को एक तरफ करते हैं यहाँ पर एक्स है उसको एक तरफ ले जाएंगे प्लस में उस साइड जाएगा माइनस हो जाएगा सेवन एक्स माइनस एक्स हो गया सिक्स एक्स यहाँ पर है फिफ्टी फोर ये हो गया सिक्स नाइन जब फिफ्टी फोर तो एक्स की वैल्यू आ गई नाइन एक्स की वैल्यू क्या आ गई नाइन आ गया यहाँ से और यही हो गया हमारा आंसर समझ में आया नोट कर लीजिए इसको अब है हमारा फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पर क्या है टेन स्टूडेंट्स कलेक्टेड द फॉलोइंग अमाउंट फॉर एन ऑर्फनेज क्या हो रहा है टेन स्टूडेंट ने कुछ अमाउंट कलेक्ट किया ये यह यहाँ पर गिवन है किसी ने टू फिफ्टी किसी ने फोर किसी ने फाइव इस तरीके से करके दस बच्चों ने कुछ अमाउंट कलेक्ट किए तो ये हो गई हमारी ऑब्जर्वेशन अब इसका क्या करना है इस ऑब्जर्वेशन जो है इसका मीन और मीडियन निकालना बहुत सिंपल है मीन और मीडियन निकालना मीन में क्या करेंगे सम ऑफ ऑल ऑल ऑब्जर्वेशन मीन हो जाएगा यानी सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन जितने ऑब्जर्वेशन है सबको ऐड कर देंगे यहाँ पर है टू फिफ्टी प्लस फोर फिफ्टी प्लस फाइव हंड्रेड प्लस सेवन फिफ्टी ये यहाँ पर सेवन हो गया प्लस थ्री हंड्रेड प्लस सिक्स फिफ्टी यहाँ टू हंड्रेड थ्री फिफ्टी प्लस फाइव हंड्रेड प्लस सिक्स फिफ्टी अपॉन नीचे क्या रहेगा कितने बच्चों ने ये कलेक्ट किया टेन बच्चों ने कितना ऑब्जर्वेशन है टेन है ये हो गया अब क्या करना है सबको हमें ऐड करना है ऐड करेंगे ये यहाँ पर क्या हो जाएगा ज़ीरो हो जाएगा लास्ट में उसके बाद फाइव फाइव टेन फिफ्टीन ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव और थर्टी यानी ज़ीरो थ्री कैरी हो गया सिक्स थ्री नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व सेवेंटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी टू और ये सिक्स ट्वेंटी एट ट्वेंटी एट और ये सेवन सेवन 5 7 14 15 19 35 40 40 के बाद 44 45 46 हो गया नीचे हो गया 10 यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे आ जाएगा 460 तो यहाँ से मीन क्या आ गया हमारा मीन आ गया 460 यही आंसर हो गया मीन का अब क्या करना है इस ऑब्जर्वेशन का मीडियन भी निकालना है मीडियन निकालने से पहले हमारा फर्स्ट मेथड होता है कि उस ऑब्जर्वेशन को हम Ascending order में लिखें यानी छोटे से बड़े के ऑर्डर में सबसे छोटा क्या है हमारा टू हंड्रेड है फिर उससे बड़ा है टू फिफ्टी फिर उससे बड़ा है हमारा थ्री हंड्रेड ये हो गया अब क्या करना है थ्री हंड्रेड फिफ्टी फिर फोर हंड्रेड फोर हंड्रेड नहीं है अब क्या करना है फोर फिफ्टी उसके बाद क्या आ रहा है अब आ रहा है फाइव हंड्रेड फाइव हंड्रेड दो बार है फिर उसके बाद क्या है फाइव हंड्रेड के बाद है सिक्स फिफ्टी और सिक्स फिफ्टी और फिर है हमारा सेवन फिफ्टी कितना हो गया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ठीक है ये हमारा ये अरेंज हो गया अब यहाँ पर एन आता है हमारा टेन टेन का मतलब क्या हो गया इवन है इवन है तो हम इवन वाला फॉर्मूला लगाएंगे फॉर्मूला क्या होता है एन बाय टर्म प्लस एन बाइ टू प्लस अपॉन टू ये होता है फॉर्मूला टेन बाय टू एम प्लस टेन बाय टू प्लस वन टर्म अपॉन टू ये हो गया टेन बाय टू क्या हो जाएगा फाइव हो जाएगा तो यहां से फिफ्थ टर्म और ये हो गया फाइव प्लस वन सिक्स टर्म अपॉन टू ये हो गया यहां से देखते हैं वन टू थ्री फोर फाइव ये फिफ्थ और ये सिक्स टर्म हो गया फिफ्थ है फोर फिफ्टी सिक्स है हमारा फाइव हंड्रेड अपॉन टू एड करते हैं क्या आएगा यहां जीरो फाइव नाइन अपॉन टू ये हो गया टू फोर जो एट टू सेवन जो फोर्टीन और ये फाइव टू गया हमारा मीडियन इसका आंसर क्या आ गया टू में आई चीज नोट कर लीजिए ये है हमारा क्वेश्चन इसमें है मीन टेम्परेचर ऑफ अ टाउन इन वीक इन समर इज थर्टी सिक्स डिग्री सेल्सियस इफ द मीन टेम्परेचर ऑफ फर्स्ट फोर डेज ऑफ द वीक ज थर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस एंड दैट ऑफ सैटरडे एंड सनडे इज थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस फाइंड द टेम्परेचर ऑफ फ्राइडे यहां पर क्वेश्चन में कह रहा है मीन टेम्परेचर एक टाउन है समर में उसका उस एक वीक का यानि सात दिन का सात दिन का टेम्परेचर क्या है मीन टेम्परेचर थर्टी सिक्स डिग्री सेल्सियस सात दिन का मेन टेम्परेचर है थर्टी सिक्स डिग्री सेल्सियस

सारे वीक लिख लेंगे फ्राइडे सैटरडे और संडे ये हो गए अब देखिए यहां पर मीन है एक वीक का मीन टेम्परेचर एक वीक का कितना है थर्टी सिक्स डिग्री सेल्सियस मीन कैसे निकलता है मीन आता है हमारा सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन जितने ऑब्जर्वेशन सबको ऐड करना है ये हो गया अपॉन कितने ऑब्जर्वेशन है सेवन यहाँ रखेंगे सेवन अब यहाँ पर मेन टेम्परेचर क्या है थर्टी सिक्स डिग्री सेल्सियस यहाँ लिखेंगे थर्टी सिक्स और इधर ये हो गया ये सेवन क्या है डिवाइड में साइड जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा ये यह यहाँ पर हो गया यहाँ गया है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड संडे ये हो गया यानी इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 76 जो 42, 4, 73, 21, 2, 52 मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा हमारा 252 क्या आ जाएगा 252 डिग्री सेल्सियस यानी मंडे से लेकर के संडे तक सारे दिन का टेम्परेचर अगर हम ऐड करते हैं तो आता है 250 डिग्री सेल्सियस ये चीज समझ में आया और आगे क्या कह रहा है कि पहले चार दिन का मीन टेम्परेचर थर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस है तो इसका मीन हम कैसे निकालेंगे यहां पर हो जाएगा देखिए पहले चार दिन का यानी यहां से लेकर वन टू थ्री फोर यहां से लेकर यहां तक इसका मीन टेम्परेचर है थर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस इसका भी हम लिखते हैं इसको यहां पर लिखें पहले चार दिन का मीन टेम्परेचर कितना है थर्टी फाइव चार दिन का तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन एम टी डब्ल्यू और टी एच अपॉन कितनी ऑब्जर्वेशन है ये फोर है नीचे लिखेंगे फोर यहाँ से मीन क्या आ गया मीन है यहाँ पर थर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस यहाँ रखेंगे थर्टी फाइव ये फोर डिवाइड में है इस साइड जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा ये हो गया इधर है एम ये यहाँ पर हो गया इसको मल्टीप्लाई करेंगे फोर फाइव जे ट्वेंटी और मंडे तो से लेकर के संडे तक सारे टेम्परेचर को ऐड करेंगे ये आ रहा है मंडे से लेकर के थर्सडे तक जब हम सारे टेम्परेचर को ऐड करेंगे तो वन फोर्टी डिग्री सेल्सियस आ रहा है हमें यहाँ पर सटरडे और संडे का टेम्परेचर गिवेन है थर्टी सेवन है हमें फ्राइडे का टेम्परेचर फाइंड करना है बहुत सिंपल है देखिए यहाँ पर मंडे से लेकर के थर्सडे को जब हम ऐड करेंगे कितना आएगा वन फोर्टी डिग्री यानी मंडे से लेकर के थर्सडे तक यहाँ से यहाँ तक का टेम्परेचर कितना है यहाँ मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे सबका ऐड किए कितना आया वन फोर्टी यानी यहां से यहां तक का टेम्परेचर कितना है 140 डिग्री सेल्सियस समझ में आया चीज और देखिए ये 140 हो गया प्लस फ्राइडे का हमें पता ही नहीं है सैटरडे और संडे का हमें गिवन है कितना है 37 डिग्री तो यहाँ लिखते हैं 37 संडे का भी है 37 डिग्री इधर 250 लिखा हुआ है यहाँ से फ्राइडे निकाल सकते हैं यहाँ इसको करें तो 77 हो गया 14 और ये फोर थ्री थ्री सिक्स और सेवन एट नाइन टेन इलेवन टू प्लस फ्राइडे टू फिफ्टी टू डिग्री ये यहाँ प्लस में इस साइड जाएगा माइनस हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा टू फिफ्टी टू माइनस टू वन फोर इज इक्वल टू एफ यहाँ इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा यहाँ से ये एट हो जाएगा ये फोर में से वन गया थ्री यानी थर्टी एट डिग्री सेल्सियस हो गया फ्राइडे का फ्राइडे का टेम्परेचर कितना आ गया हमारा थर्टी एट डिग्री सेल्सियस समझ में आया नोट कर लीजिए इसको ये हमारा सेवेंथ क्वेश्चन है कंस्ट्रक्ट अ कॉम्यूलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द फॉलोइंग ये यहाँ पर टेबल बनी हुई है इसको क्या करना है हमें कॉम्यूलेटिव फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमें बनाना है इसको दो तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं मतलब दो तरीके से इसकी टेबल बना सकते हैं देखिए फर्स्ट मेथड तो बहुत ही दोनों ही बहुत ईजी है पहला देखते हैं फर्स्ट मेथड क्या है जैसे यहाँ पर बना है उस तरीके से बना लेना है हमको एक टेबल ये हो जाएगा उसके बाद यहां पर हम लिखेंगे मार्क्स यहाँ पर हो जाएगा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या फ्रीक्वेंसी और यहाँ पर हो जाएगा कॉम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी ये हो जाएगा अब देखिए इसको कैसे करते हैं जैसे इसमें लिखा है सेम हम पहले यहाँ पर लिख देंगे क्या लिखा है ज़ीरो से टेन यहाँ लिखेंगे ज़ीरो से टेन फिर है यहाँ पर टेन से ट्वेंटी ट्वेंटी से थर्टी थर्टी से फोर्टी फोर्टी से फिफ्टी फिफ्टी से सिक्सटी और सिक्सटी से सेवेंटी इसको थोड़ा और बड़ा कर लें यहाँ पर हो जाएगा सिक्सटी से सेवेंटी तक ये हो गया अब क्या करना है अब नंबर ऑफ स्टूडेंट जिस तरीके से क्वेश्चन में दिया है उसी तरीके से लिख लेते हैं इस क्लास के सामने है एट फिर है ट्वेल्व सिक्सटीन ट्वेंटी फोर थर्टी सिक्स फिफ्टीन और नाइन ये लिख लिया उसके बाद क्या करना है बहुत सिंपल है एट लिखा है एट लिख दीजिए ये हो गया एट पहला वाला जिस तरीके से यहाँ फ्रीक्वेंसी गिवन है उसको लिख देना है उसके बाद क्या करना है उसके बाद लिखना है एट प्लस ट्वेल्व क्या लिखेंगे एट प्लस ट्वेल्व यानी ट्वेंटी हो गया उसके बाद एट प्लस ट्वेल्व प्लस सिक्सटीन समझ में आ रहा है ना देखिए पहला हम उसी तरीके से लिख देंगे दूसरे वाले में इन दोनों को ऐड करके तीसरे वाले में तीनों को ऐड करके चौथे में चारों को ऐड करके इस टाइप में लिखेंगे दूसरे वाले में क्या लिखे एट प्लस ट्वेल्व ट्वेंटी तीसरे वाले में एट प्लस ट्वेल्व प्लस सिक्सटीन क्या हो जाएगा एट प्लस ट्वेल्व प्लस सिक्सटीन यानी थर्टी सिक्स फिर उसके बाद चौथे वाले में क्या लिखेंगे चारों को ऐड कर देंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा एट प्लस ट्वेल्व प्लस सिक्सटीन प्लस ट्वेंटी फोर एड करेंगे क्या आएगा सिक्सटी ये हो जाएगा उसके बाद अब क्या करेंगे हम अब लिखेंगे यहाँ पर थर्टी सिक्स को भी ऐड करेंगे अब फिफ्थ वाला है ना तो पांचों को ऐड करेंगे सिक्स वाले में पूरे छः को ऐड करेंगे इस टाइप से हम करते जाएंगे ये हो जाएगा थर्टी सिक्स है ऐड करेंगे हो जाएगा नाइनटी सिक्स उसके बाद अब फिफ्टीन को भी ऐड करेंगे ये हो गया सिक्स फाइव इलेवन वन फाइव टेन ये हो गया अब लास्ट वाले में नाइन को भी ऐड कर देंगे इस टाइप से हमें करना है यहाँ हो जाएगा एट प्लस ट्वेल्व प्लस सिक्सटीन प्लस ट्वेंटी फोर प्लस थर्टी सिक्स प्लस फिफ्टीन प्लस नाइन ये यह यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा वन ट्वेंटी डिग्री सॉरी ट्वेंटी डिग्री कैरेट वन ट्वेंटी आ जाएगा यहाँ पर ये यह हो गया हमारा कॉम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी अब यहाँ पर ये यह हमारा कॉमुलेटिव फ्रिक्वेंसी तैयार हो गया कैसे किए हैं एट लिखा है एट लिखना है सेकेंड वाले में दोनों को ऐड करना है थर्ड वाले में तीन को चौथे वाले में चारों को वाले में पाँचों। इस टाइप से करना है और ये हमारा टेबल तैयार हो गया समझ में आये, ये फर्स्ट मेथड है हमारा इसको बनाने का दूसरा मेथड क्या है दूसरा है हमारा यहाँ पर इसको पहले नोट कर लीजिए फिर सेकेंड मेथड देखिए अब इसको जो हम पहला तरीका देख चुके हैं अब सेकेंड मैथड में इसको कैसे बनाएंगे सेकेंड मैथड में हम करेंगे इसको ये हो जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे यहां पर अब लिखेंगे लेस देन यहां लिखेंगे मार्क्स लेस देन या बिलो ये हो जाएगा नीचे हो जाएगा कॉम्बिनेटिव फ्रिक्वेंसी ये हो जाएगा यहाँ पर अब क्या करना है लेस देन वाला तो यहाँ देखिए पहले हम लिखेंगे टेन फिर ट्वेंटी फिर थर्टी फोर्टी फिफ्टी सिक्सटी सेवेंटी इस तरीके से लिखेंगे जो लास्ट वाला टर्म है ना इसको लिखना है यहाँ हो जाएगा टेन ट्वेंटी थर्टी फोर्टी फिफ्टी सिक्सटी एंड सेवेंटी ये हो गया अब क्या करना है यहाँ पर हो जाएगा लेस देन टेन लेस देन ट्वेंटी लेस देन थर्टी लेस देन दे इस टाइप में हम इसको करेंगे लेस देन 10, कितने नंबर हैं से कम कितने हैं एट है ये हो गया लेस देन ट्वेंटी ट्वेंटी से कम कितना है ट्वेंटी से कम है एट और ट्वेल्व यानी ट्वेंटी थर्टी से कम थर्टी से कम ये पूरा एट ट्वेल्व और सिक्सटीन सिक्सटीन थर्टी से कम क्यों कौन कौन होंगे एट ट्वेल्व और सिक्सटीन सबको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा थर्टी सिक्स आ जाएगा अब फोर्टी से लेस यानी फोर्टी से कम फोर्टी से कम क्या है ट्वेंटी फोर है सिक्सटीन है ट्वेल्व है और एट समझ में आ रहा है ना ये फोर्टी से कम यहाँ मत देखिएगा कि ट्वेंटी फोर और इनसे कंपेयर नहीं करना है कंपेयर क्या करना है फोर्टी से कम फोर्टी से कम क्या क्या आ रहा है देखिए ज़ीरो से टेन के बीच आर एट लोग टेन से ट्वेंटी ट्वेल्व तो ये फोर्टी से कम ही तो है ये अगर मान लीजिए ट्वेंटी थ्री है ट्वेंटी थ्री है किसी का मार्क्स ट्वेंटी थ्री तो किससे कम है फोर्टी से कम है ना? यानी यहाँ फोर्टी से कम यानी इतने सारे लोग हैं एट ट्वेल्व और सिक्सटीन और ट्वेंटी फोर इतने सारे लोग फोर्टी मार्क्स से कम आए हैं इनके इनको एड करेंगे कितना आ जाएगा सिक्सटी अब फिफ्टी से कम 50 से कम यहाँ सबसे सबको ऐड करना है क्या आ जाएगा 96 60 से कम 60 से कम यानी ये पूरे को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा ऐड करेंगे वन 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 फिर 70 से कम 70 से कम यानी सबको ऐड कर देना है और सबको ऐड कर देंगे तो 120 आ जाएगा और ये हमारी टेबल तैयार हो गई समझ में आया इसको नोट कर लीजिए यहाँ से हमारी एक्सरसाइज मिसलिनियस एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई अब नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर